कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत चल रही है। कई राज्यों के अस्पतालों में मरीजों को इसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ संपर्क साधा गया है और एक दर्जन से अधिक राज्यों को तुरंत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बाबत जानकारी साझा करते हुए कहा है कि 12 राज्यों के साथ विस्तृत मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की जरूरतों के हिसाब से मैपिंग की है। अलग अलग राज्यों को 6,177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। सिर्फ 4-9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई 22 अप्रैल तक रोकी गई है, ताकि अस्पतालों को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। पीयूष गोयल के मुताबिक कोरोना के आने से पहले भारत में हर दिन 1000 से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी, लेकिन 15 अप्रैल को 4795 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। हजार टन के आसपास रोज का कोविड आने के पहले इस्तेमाल होता था, यानी दिसंबर 2019 के आसपास 1000 टन साधारण तक मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता था, कभी 1000 कभी 1200। आज के दिन वो बढ़कर 15 अप्रैल हाल में 3 दिन पहले बढ़कर 4795 मेट्रिक टन 4795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है। अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े हैं, शायद ये नंबर और बढ़ भी गया हो, तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इससे इसको भेजा जा रहा है। लगभग रोज या 2 दिन में एक बार जो प्रमुख राज्य हैं जिनमें ये समस्या बढ़ी हुई है, 12 राज्य हैं ऐसे, उनके साथ भारत सरकार के अन्य अन्य मिनिस्ट्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उद्योग मंत्रालय हो, इस्पात मंत्रालय हो, स्टील मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर कई बारे और माननीय प्रधानमंत्री के अधिकारियों के साथ भी काफी विस्तार से इस विषय की चिंता की जाती है। बिना भेदभाव के देश के हर राज्य की जो जरूरतें हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।